को सुनने के लिए आया हम लोग मुफ्ती साहब को और असद साहब को। तो ये सब अच्छी चीज नहीं है, जितना काम मुफ्ती साहब कर रहे कोई नहीं कर रहा है। आज तक के कोई एमएलए इतना फंड नहीं लाया जितना मुफ्ती साहब ने लाए, 500 करोड़ का फंड लाए मुफ्ती साहब। माले का गुम बढ़ाना नंगा करके रखे थे, अभी मुफ्ती साहब कपड़ा पहना रहे हैं। लीडर अगर 1000 वादे कर रहा, 5 काम नहीं कर रहा, तब इतना बड़ा लीडर अब कहां पूरे हिंदुस्तान पे ध्यान देगा? होते रहता उसको नेवर माइंड। क्या नाम भाई आपका? कैसल। कैसल, तो अभी किसको सुनने के लिए आए हैं आज? किसको सुनने के लिए आए हैं? बोले आ जाते अबे तो बोल लो। अरे भैया आ जा यार, जो जाते अरे बताओ ना। नहीं नहीं भैया मैं नहीं बोल रहा। अरे भैया नहीं, आपका क्या नाम भाई? नवीद। क्या? नवीद। नवीद, तो किसको सुनने के लिए आए हैं? ये असद भाई को। तो कोई खास वजह? अरे कुछ सुनना चाह रहे हैं ऐसा? वो है, वो बात करते है, हक बात बोलती है, वो मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाती है, इसलिए उनके सुनने आए हैं। ऐसे कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 2 महीने वाला वादा करके गए थे पिछली बार, वो सब भंडा रहता है सियासी। अब वो काम के लिए आने वाले थे, तो मैं काम हो रहा है तो नहीं आए वो। मतलब काम हो रहा था इसीलिए आने की जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी उनको आने के लिए। तो आने वाले 5 साल में क्या काम देखना चाह रहे हैं? जो भी रहे इंशाल्लाह सब काम होगा, बाकी काम में जो बाकी है कॉलेजेस आएंगे इंशाल्लाह, हॉस्पिटल आएंगे। आपका क्या नाम है? शादाब। तो किसको सुनने के लिए आए हैं? असदुद्दीन वैसी। वो ऐसा क्या सुनना चाह रहे हैं? अच्छा बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो पिछला जो 2 महीने वाला वादा था उससे आप भी नाराज हैं क्या? नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन अवैसी कहीं घूमने के लिए गए, दुबई घूमने के लिए गए हो या तो फिर कहीं और घूमने के लिए, एक जैसा कहीं ना कहीं लगे ही हुए। लोग ऐसे रेडियो में देख रहे, अगर कहीं घूमने जाते तो हम ये बोल सकते थे कि 2 महीने का नहीं आए, लेकिन काम यहाँ पर इत्मीनान बख्श हो गए। उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे फर्ज नमाज तो छोड़ो, तुम लोग स्कूल नहीं गए? फर्ज नमाज की तो बात बहुत दूर की, छोटे हैं अभी। मेरा सदर, मेरा ताजुद की, खैर इशराक की, तो अभी देख रहे हैं आप लोग कि कई सारे लोग खड़े हैं, कुर्सियों का इंतजाम मुनासिब मकदार में नहीं है, स्टेज से बड़े बड़े नारे भी अभी दराज हो रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? जुल्फिकार। इसको सुनने के लिए आए अवैसी साहब, मुफ्ती साहब। तो इस बार मतलब मुफ्ती साहब को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर, क्यों? कोई खास वजह? कोई खास वजह उन्हें सपोर्ट करने की? काम करते हैं वो, काम करते हैं, बाकी एमएलए से बेहतर काम करते हैं, दूसरे एमएलए से बेहतर है। इसी हिसाब से लोग नाराज चल रहे हैं थोड़े से, 2 महीने वाला वादा करके गए थे पिछले। वादा करे थे वो, मगर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए कि काम होते गया, काम नहीं होता तो वो आते, काम होते गया वो नहीं आए। आगे 5 साल में क्या काम देखना चाह रहे हैं? अभी उस तरीके से काम जैसा होना चाहिए था, रोड घटक वो करे है, लेकिन जो रोड़े बाकी है वो पूरी करे, उसके बाद देखते हैं आगे। सही है, चलो पीछे की तरफ आओ आओ। सुनो भाई इधर आओ, क्या नाम है? अरे सुनो तो, सुनो तो। अरे मैं बस पूछ रहा हूँ कि ये झंडा कहाँ से मिला? झंडा हम लोग घर से लाए, खरीद के लाए हो? तो मतलब क्या सपोर्ट कर रहे हो मुफ्ती साहब को? ऐसा क्या अच्छा लगता हूँ? हम तो बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं। क्या नाम भैया आपका? एजाज अहमद। एजाज अहमद, अभी आमदार किसको देखना चाह रहे हैं? मुफ्ती साहब को। अच्छा, तो अभी किसको सुनने के लिए आए हैं आज? किसको सुनने के लिए आए? हाँ तो किसको? किसको? ओवैसी साहब। ये 2 महीने वाले वादे से कुछ लोग नाराज चल रहे हैं उनके, पिछली बार वो वादा करके गए थे ना कि हर 2 महीने में आएंगे, तो उससे कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नाराजगी है? वो तो करेंगे काम, वो तो बाहर के आदमी है, वो उनको आने में भी उनका भी और भी काम रहता है, तो जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट है ना उनके यहाँ कि नहीं है, वो रहेंगे तो ही काम होगा, क्या वो नहीं भी रहेंगे तो काम होगा।
मतलब आपके लीडर मुफ्ती साहब यहाँ पे मौजूद है तो उनको आने की जरूरत ही नहीं है। आपके लीडर मुफ्ती साहब यहाँ पे हैं तो उनको आने की जरूरत ही नहीं, उनकी सपोर्ट के वास्ते तो आएंगे ना, वो तो वो है ना हाई कमान है ना, उनकी सपोर्ट के वास्ते तो आएंगे वो। क्या बात है, अच्छा हाथ में क्या नाम भैया आपको? एजाज अहमद। तो किसको सुनने के लिए आए आज? हम मुफ्ती साहब को और असद साहब को। असद साहब से क्या सुनना चाह रहे हैं आज? असद साहब से जो जो अपने जो वक्फ बोर्ड का जो मसला है और जो अपने मुसलमानों के लिए जो मसला है उसके बारे में सुनना चाह रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर चल रहा है उसके लिए। तो ये दो महीने वाले वाले वादे से नाराज हैं क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, नहीं कोई नाराजगी नहीं। आगे आने वाले 5 साल में मतलब लगता है मुफ्ती साहब जीतेंगे इस बार? इंशाल्लाह जीतेंगे। अगर वो जीतते हैं तो और 5 साल में कहाँ काम देखना चाह रहे हैं, विकास कहाँ देखना चाह रहे हैं? तो पूरे शहर में देखना चाह रहे हैं, जैसे जो किनारे किनारे भी चालू है, हो सकता है भाई आउटर इधर भी मेन सिटी पे अंदर वहाँ काम करे, अल्लामा इकबाल पुल का उसका काम करे, नुमानी पुल का काम है, ओवर ब्रिज का काम करे हाईवे पे, वही सब पूरा होना है, देख रहे वही देख रहे। लोग तो बोल रहे हैं पिछले 5 साल में काम नहीं किया मुफ्ती साहब। अरे आप उनका हैंडवेल उठा के देख लो, और नहीं तो पार्टी अधिकारी में जाके मालूम ले लो क्या है क्या नहीं है, मतलब काम हुआ है। काम हुआ है ना सर, एमआईएम के सपोर्ट में? एमआईएम के सपोर्ट जी। तो लग रहा है इस बार मुफ्ती साहब जीतेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि पिछला जो 2 महीने वाला वादा करके गए थे ओवैसी साहब वो पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए नाराजगी है थोड़ी सी। अब 1000 काम के अंदर अगर 5 काम नहीं हुए तो कोई मायने नहीं रखते ना, उसको नेवर माइंड करना पड़ता है। लीडर अगर 1000 वादे कर रहा 5 काम नहीं कर रहा तब इतना बड़ा लीडर अब कहाँ पूरे हिंदुस्तान पे ध्यान देगा, होते रहता उसको नेवर माइंड, कोई बात नहीं। तो मतलब काफी ज्यादा मसरूफियात रहने की वजह से नहीं है? हाँ, मसरूफियात उनकी ज्यादा है, अवैसी साहब की ज्यादा है, हमारे मुफ्ती साहब की ज्यादा है, तो वो हिसाब से एक दो काम छूटते रहते, कोई बात नहीं, हो जाएंगे इंशाल्लाह वो भी शहर के लिए आगे। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल में काम नहीं किया मुफ्ती साहब ने, मुखालिफिन की तरफ से इल्जाम आता है। 175 काम की लिस्ट तो हमारे पास है उनकी, मुफ्ती साहब की 175 काम, 175 काम की लिस्ट तो वर्क ऑर्डर के साथ में। मेरा भाई जो है तो वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, एक खुद इंजीनियर है जिसपे 20 गाँव के 20 कारपेंटर काम करते, तो हमारे पास 175 काम की लिस्ट है, हमको मालूमात है, हम सियासी लाइन में है। आप कुछ एमआईएम के ही सपोर्टर थे तो वो लोग बोल रहे थे कि काम हुआ है मगर हम लोग सही से एडवर्टाइज नहीं कर पाए, इश्तेहार नहीं कर पाए उसका, एमआईएम के बोल रहे थे? हाँ, हाँ, तो आप नहीं कर पाएंगे कोई उसकी बात नहीं है ऐसी। बाकी 101% मतलब जो है तो मुफ्ती साहब शहर के लिए अच्छे हैं और उनका आना जरूरी भी है, अच्छा आदमी है, मस्जिद का इमाम है, कोई बात नहीं, उनका आना 101% मालेगांव शहर के अंदर जरूरी है ताकि मालेगांव का मुस्तकबिल बने, इंजीनियर कॉलेज आए, एमआईडीसी आए, ये जो लूम चल रहे 12 घंटे जो है तो ये 8 घंटा चले और मजदूरों का कुछ फायदा हो, उसके लिए जो तो मुफ्ती इस्माइल साहब परफेक्ट है, ऐसा बोलना है मेरा। अभी तबीयत उनकी खराब है तो लग रहा है सही से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वो ऐसी है। 101% करेंगे, हो गए अच्छे हो गए माशाल्लाह, अल्लाह की दाद से आगे भी करेंगे काम और हो गए अच्छे हो गए, अभी माइक पे आने वाले 15 मिनट के अंदर। आपका क्या नाम है सर? मुश्ताक पठान। तो आज किसको सुनने के लिए आए हैं? असद साहब को और मुफ्ती साहब को। तो ऐसा क्या कि किस बात पे बात करें असद साहब, मतलब कोई खास उम्मीद लेके आए हैं आज कि हाँ इस विषय पे बात होनी चाहिए? देखो बेरोजगारी तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है धरती में, अपने मालेगांव शहर में बेरोजगारी के तो कोई बात नहीं कर सकता, हूँ कितने काम लोगों के पास नहीं है, लूम देखो तो सही चले से चल नहीं रही है, MECB बिजली पूरा नहीं रही है, बहुत सारी जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, अभी बीच में भी 2 हफ्ते पहले यहाँ पे बड़ा ट्रांसफार्मर जल गया था, 2 दिन के लिए बिजली नहीं थी, हमारे मुफ्ती साहब के कहने के ऊपर 8 घंटे में बिजली फिर से चालू कराई गई है, ये बहुत सारी काम है मुफ्ती साहब के है, लेकिन वो कैसा है कुछ लोग करते राई का है और बताते पहाड़ के जैसा है, वो करते पहाड़ के जैसा है बताते राई के जैसा है, इसलिए आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया हुआ है, बहुत सारा काम किया है उन्होंने, शोबाजी नहीं करते, शोबाजी नहीं करते, बहुत सारे लोग करते शोबाजी, हमारे मुफ्ती साहब शोबाजी नहीं करते, काम बेहतरीन करते हैं और किसी झंझट में फंसते भी नहीं है, किसी को बुरा बोलते भी नहीं है, देखो आप कितने आप बहुत सारे जलसे करते होगे, हर जगह एक जगह जलसे, देखो बहुत सारे लोग एक मेक पे
ऊपर वो सर कीचड़ उछाल रहे, लेकिन हमारे मुफ्ती साहब ने कई जलसों पर कीचड़ किसी के ऊपर उछाला नहीं है। ये देखिए आप, ये बच्चे की शर्ट पे ये पतंग का निशान बना हुआ है। शर्ट किसने दी है? शर्ट किसने दी? शर्ट किसने दिया बोलो? ये हमने लाए। तुमने लाए खुद से? नहीं, अब्बू के साथ जाकर। अच्छा, मतलब अब्बू ने दिलाई है ना। काम किसका कर रहे हो तुम बोलो? मुफ्ती साहब। ये आपके पसंद है? सही है। आपका क्या नाम है? जियाउर रहमान। तो किसको सुनने के लिए आए आज? यही सुनने आए हैं मुफ्ती साहब को, बहुत दिन से बीमार थे ना। हाँ, वही सुनने आए। अब ऐसा साहब भी आ गए हैं, उनको भी सुनेंगे थोड़ा। तो ये फर्जंद आपके हैं ये? हाँ। तो क्या लग रहा है, जीतेंगे इस बार? इंशाल्लाह बहुत ढेर मोहम्मद से जीतेंगे। पिछले 5 साल में काम हुआ है मुफ्ती साहब के कार्यकाल? माशाल्लाह बहुत काम हुआ है ना। माशाल्लाह आज तक के कोई एमएलए इतना फंड नहीं लाया जितना मुफ्ती साहब ने लाया। माशाल्लाह 500 करोड़ का फंड लाए मुफ्ती साहब। अभी बाकी ये काम चालू है, कुछ हो चुका है, कुछ चल रहा है, चालू है काम। अच्छा, मुफ्ती साहब के जो मुखालिफिन है ना, वो झूठा बोल रहे हैं उनको। रग रग में झूठा मन, उनकी रग रग में झूठा मन बोलना। अच्छा, वो खुद झूठे हैं जो बोल रहे हैं? तो उनको मालूम, आवाम से राय ले लो ना, पूरी आवाम से पूछ लो कि यार कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इनको तो नामी चैंपियन चोर है। अच्छा, क्या करते हो ये कुछ लोग, जैसे हम लोग घूम रहे हैं ना इतने दिनों से, लोगों से बात करते हैं, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मुफ्ती साहब एक मजहबी आदमी है। बिल्कुल। और सियासत ने उनको मजहब से थोड़ा सा दूर कर दिया। मजहब से दूर कर दी? कैसे मजहब से दूर? अपने बकरीद के वक्त जब ऐवान असम्बली के अंदर आवाज़ उठाए, उसके अंदर बोला गया कि कुर्बानी करना है अगर तो आपको ऐसे पुतला वगैरह बनाकर सिर पर कुर्बानी करना है, उसके लिए आवाज़ कौन उठाए? जब वहाँ पर ऐवान के अंदर अगर मजहबी आदमी रहेगा तो उसको ही समझेगा आवाज़ कैसे उठाने, उसके अलावा दूसरा कोई रहेगा तो खामोश रहेगा ना, उसको समझेगा नहीं कि ये क्या है। लेकिन मजहबी आदमी अगर है तो वो बात बराबर रखेगा वहाँ पर। क्या लग रहा है, इस बार जीतेंगे वो? चल रहे, पिछली जीते वो लीड से जीते, उससे ज़्यादा जीतेंगे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल वाहिद। तो आज खास तौर से किसी को सुनने के लिए आए हैं आप? हाँ, जलसा से। तो किसी को, मुफ्ती साहब को या ओवैसी साहब को? मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब को, तो मतलब इस बार सपोर्ट कर रहे हैं आप उन्हें? हाँ। तो कोई खास कारण उन्हें सपोर्ट करने का? नहीं, 3 दफे हुआ, 4th दफे ये इंशाल्लाह वही वोट देते आए मुफ्ती साहब। कुछ लोग बोल रहे हैं पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ है। 25 साल में, 30 साल में कौन क्या कर रहा, देश आज़ाद हुआ कौन कर रहा है काम, हमेशा तो खड्डा ही था यहाँ। आप खड्डा देख रहे हैं इन लोग को, मतलब काम हुआ है फिर इंशाल्लाह बहुत काम हुआ है। कुछ लोग ओवैसी साहब के वादे से भी नाराज चल रहे हैं कि 2 महीने वाला वादा करके गए थे मगर आए नहीं। अरे वो इतने बड़े लोग हैं, वो तो रहता ही, अब वो थोड़ी रोज आने वाले हैं यहाँ, अब पूरे हिंदुस्तान का देखना रहता है उनको। चलिए खैर, आप? मैं क्या बोलूँगा, मेरे को कुछ तमत्ता नहीं, पहला मुक्ति साहब के आदमी है बस, इतना तमत्ता, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो मुक्ति साहब हो बात, जिंदाबाद मुक्ति, बात बस मुक्ति साहब को हम पहचान। चलिए अच्छा है, तो ये जनता की राय आपने सुनी अभी जी। ये खबर तो पहले डाल लो, देश आज़ाद हुआ है तो मालेगांव में खड्डा ही था। हाँ। तो इनको आज खड्डा दिख रहा है, तो ये सब अच्छी चीज नहीं है। जितना काम मुक्ति साहब करे कोई नहीं कर रहा है। तो ये जनता के विचार हैं, जो लोग MIM को सपोर्ट कर रहे हैं या मुफ्ती साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी के शहदाई हैं, किस बिना पर हैं, किस बुनियाद पर हैं, वो आप सुन चुके हैं। अब मालेगांव का जो सियासी मैदान है वो काफ़ी गर्म है और अभी किसी नतीजे पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, मगर बताया जा रहा है कि 2 लोगों के बीच में मुकाबला काफ़ी ज़्यादा सख्त रहेगा। आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ, और पिछले एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे तो देखिए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी क्या बोलना चाह रहे हैं? ये।
जैसे आज तो ये जलसा है, जैसे मैं उस पार्टी को मानता हूँ, आप न्यूज़ वाले जैसे यहाँ मुनासिब लगता क्या आपको क्या जलसे में जैसे ये सब कि आवाम से आप खिताब कर रहे हैं कि वोट किसको दें, मैं वो पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं जो लोग MIM को सपोर्ट कर रहे हैं वो किस बुनियाद पे सपोर्ट कर रहे हैं वो अगर मुझे जानना है तो ऐसी जलसे में आना पड़ेगा ना। सर नहीं मतलब कैसा ये आवाम यानी आवाम क्या सोचता है। बिल्कुल बात आपकी सही है कि नहीं, जैसे आज जलसा है अब ऐसे साहेब आए ले यानी मैं आपको यहाँ पहली बार देख रहा हूँ इससे पूछ रहा हूँ हाँ। कि हम वो पार्टी को मानने वाले आप यहाँ पे नहीं आवाम से पूछ रहे हैं किस बुनियाद तोड़ देना चाहिए। यहाँ आवाम को तो मालूम है कि किस बुनियाद तोड़ दे। 15-20 दिन कबल में भाई यहाँ पे आ चुका हूँ मैं और मैं कई सारे इलाकों का सर्वे कर चुका हूँ। ये जलसे का ये इलेक्शन का उन्वान है MIM का अच्छाई और बुराई का। आज पूरा शहर बेदार हो चुका है इस बुनियाद पे उनको मुफ्ती साहब को उम्मीदवारी करने के लिए और वोट देने के लिए इलेक्शन में खड़ा किया गया। ये इलेक्शन का उन्वान है अच्छाई और बुराई। अच्छा मतलब इस बार जो जिस बुनियाद पे इलेक्शन हो रहा है जिस मुद्दे पे हो रहा है वो अच्छाई और बुराई का है, अच्छाई वर्सेस बुराई का है। अच्छाई और बोले तो तामीरी काम का जो आज हमारा शहर खंडर हो चुका है, जो इस शहर के अंदर किसने 35 साल राज किया, किसने 30 साल राज किया, आज शहर जानता है कि शहर खड्डे में है, आने वाली कौम को बेदार करना है। आपको लगता है कि वो मुफ्ती साहब कर पाएंगे? मुफ्ती साहब तो उनका हमको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर में 5 लड़की है तो बाप के साथ तो काम पे जाएंगे नहीं। अगर लड़का रहता, अगर बेटा रहता तो बाप के साथ भी जाता था, चलो मैं मेरे बाप का हाथ बिठाता। आज उनको साथ चाहिए, अगर शहर उनका साथ देगा तो ये शहर वाकई में तरक्की करेगा। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? आप सहमत हैं इनकी बात? सही बात है, सही बात है, सही बात है। आप मुफ्ती साहब एक काम गिनाना चाहता हूँ मैं आपको। मुफ्ती साहब एक वाहिद आदमी मालवा शहर में जो 30 साल सियासत करे, वो लोग ने आज तक काम नहीं किए। 25 साल एक घराना सियासत की, वो भी काम नहीं किया। मुफ्ती साहब के काम इतने हैं ना कि आपको गिनाने बैठूंगा ना तो दिन निकल जाएगा। 4 से 5 गिना दीजिए। 4 से 5 बड़े बड़े काम मैं आपको बताता हूँ। ये अपना नेशनल हाईवे नंबर जो 3 है ना, 165 करोड़ बजट लाए हो नितिन गडकरी से, वो काम चालू है। और एक नुमानी पुल काम चालू है, ये सब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की मेहनत का शमरा है। और एक काम जो बड़ा है, चंका बोलने से मालेगांव पाइपलाइन डाली जा रही है, ये भी मुफ्ती साहब की देन है। और इससे पहले को ये लोग ने ऐसा काम किए नहीं, मालेगांव को बढ़ाना नंगा करके रखे थे, अभी मुफ्ती साहब उसको कपड़ा पहना रहे हैं। ये ऐसे काम है मुफ्ती साहब के। वही जीत कर आएंगे इस मतलब, और अभी इलेक्शन जो अच्छाई और बुराई पर है, और मालेगांव की आवाम अच्छाई पसंद करती है, बस इतना ही मेरा कहना है। आप सहमत हैं? सहमत है जी, सही है, सहमत है। चलिए फिर और किसी को कुछ बोलना है आपको? बोलना चाह रहे हैं नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। लग रहा है ओवैसी साहब आ गए हैं, मिलते हैं फिर, अभी उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे और सुनते हैं कि क्या बोलेंगे वो, जनता के सवालों का जवाब क्या होगा उनके पास। मिलते हैं अगले।